आप बात करिए, बात नहीं, अरे बात क्या, अब तो साथ में ही बात करेंगे। अरे आप बात करिए, मैं जॉन को मिल गया। अरे देखिए, एक्चुअली 25 साल हो गए, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही कि इतना टाइम हो गया है, और ऐसा लगता नहीं कि 25 साल हो गए। तृणाली जी ने अभी तक देखी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सरफरोश 2 बननी चाहिए। मैं 25 साल से इस फिल्म का अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और ये पाँच सेकंड नहीं कर पाया। 25 साल बहुत लंबा। आप बात करिए, बात नहीं, अरे बात क्या, अब तो साथ में ही बात करेंगे। अरे रे, आप बात करिए, मैं जॉन को मिल गया। नहीं, अभी अभी तो मेरे साथ मिलना पड़ेगा। सबको मिलते ना। अरे देखिए, मुझे पानी दे दो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाय हाय हाय। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 25 साल पूरे हो गए सरफरोश को, कितनी पुरानी नाज़े याद, और सर आज क्या मैसेज रिटर्न लाइन है? एक्चुअली 25 साल हो गए, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही कि इतना टाइम हो गया है। जब हम सोचते हैं अपने जहन में तो 25 साल बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल की बात है। अभी तो 2-4 साल पहले रिलीज हुई है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। वो फिल्म अभी भी मेरे जहन में बहुत फ्रेश है, और ऐसा लगता नहीं कि 25 साल हो गए। अरे बहुत मज़ा आ रहा है, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों तो मैं बहुत अरसे के बाद मिल रहा हूँ, तो मैं भी बहुत खुश था कि आज हम लोग आएंगे यहाँ पे, आप लोग से मिलेंगे। पूरा कास्ट और क्रू को मैं एक दफ़ा फिर इतने सालों बाद में मिलूँगा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये फ़िल्म जो हम लोगों ने बनाई थी सरफरोश, ये बहुत ही एक अहम फिल्म है हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, और लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना एक दिल को छुआ लोगों के, तो ये वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म रही है मेरे करियर की सरफरोश। इट्स समथिंग दैट पीपल हैव रियली लव्ड, एंड द ऑडियंस यू नो अक्रॉस द वर्ल्ड हैज रियली लव्ड दिस फिल्म। सो ये एक मौका है मेरे लिए सबको शुक्रिया अदा करने का कि ये फिल्म आप लोगों ने इतनी पसंद की और हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी जी, एक्चुअली जब हमने सरफरोश की तो हमने बड़ी रिसर्च की थी कि पुलिसिंग कैसे होती है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी पुलिस वाले को मिलता हूं, तो चाहे वो कांस्टेबल हो या आईपीएस ऑफिसर हो, सभी मुझे बोलते हैं कि आपकी सरफरोश फिल्म हमें बेहद पसंद है, और उसमें इतना अच्छा दिखाया है, हर चीज़ इतनी अच्छी दिखाई है, और पुलिसिंग को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, इतनी डिटेल में दिखाया है। तो जब भी मैं ये सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ गाने, गाने भी बड़े अच्छे हैं उसमें। जगजीत सिंह की गज़ल है,
होश वालों को खबर क्या, वो बहुत ही प्यारी गज़ल है, जगजीत सिंह ने इतना अच्छा गाया है और एक रोमांटिक गाना भी बड़ा अच्छा है सोनाली और मेरा, और सारे गाने मुझे अच्छे लगे थे उस फिल्म में जी। आप कुछ पूछ रही थी? सोनाली जी ने अभी तक देखी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा कमाल हो गया, मैं पूछता हूँ अभी सोनाली से। लेकिन मैंने तो उस वक्त खूब देखी थी, लेकिन एक बहुत अरसा हो गया, मैंने बहुत साल हो गए मैंने देखी नहीं फिल्म, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट अगेन। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि हम लोग थिएटर में लगाएंगे तो ऑडियंस फिर आ जाएगी, इतनी अच्छी फिल्म है ये। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कमिंग ओवर हियर। अरे अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं तो कई सालों से जॉन को बोल रहा हूँ कि सरफरोश 2 बननी चाहिए, और जिस मोड़ पे हमने फिल्म को भी छोड़ा था हमारे जहन में वो बात थी कि हम इसका पार्ट 2 बना सकते हैं, और अभी भी मैं जॉन को बोलते रहता हूँ कि भाई अच्छी कहानी लिखो तो हम सरफरोश 2 बना सकते हैं, और इस दफ़ा उसने कहा है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, तो देखते हैं, मुझे भी उम्मीद है कि सरफरोश 2 बने। थैंक यू, थैंक यू। them I have not met, so I'm more excited. You know, kabhi to mil gaya Sultan ka kaam karne wala Pradeep, because he went to South and he became a big star there. And so I haven't really, so I'm looking forward. There are many faces, jaise mere kaale baal the, kaali daadi thi, ab dekho kya ho gaya. Ye 25 saal ka asar hai. और कई लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत काम कर चुके हैं, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, जैसे कि हम पहले मतलब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सत्या के वक्त, जब हमारे पास बहुत वक्त था तो हम लोगों को जॉन मैथ्यू मथाय ले गया था, एक महीना डेढ़ महीना वहाँ पर, मतलब मैं आता जाता रहता था मुंबई, बीच में मेरे शोज़ होते थे इसलिए, लेकिन वापस चला जाता था, तो वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो, कौन किसके कमरे में रुका है, या यू नो रात में शूटिंग हो रही है तो सुबह लौट रहे हैं तो पर्दे वगैरह गिरा देते थे, फिर से रात कर देते थे ताकि हमें लगे कि रात चल रही है, और फिर नाश्ता वास्ता जो भी पीना वीना होता था करके फिर सोते थे, सो इट वाज अ फैमिली। यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ अगेन। एक तो पुरानी, और मुझे लगता है जो कहानी बेस्ड फिल्म बनती थी अभी अगर हम देखते हैं तो एक्शन फिल्म कही जाती है या रिवेंज ड्रामा कहा जाता है, एंड देन सोशो पॉलिटिकल कहानी जाती है, एंड देन इट हैज़ मोर ऑफ एक्शन, द सब्जेक्ट स्टोरी लाइन इज़ नॉट देयर। इफ़ यू सीन दिस फिल्म, दिस इज अ स्टोरी, एंड हमारा जो एक इंडियन लैंडस्केप है जो बड़ा है, यू नो इट जस्ट ट्रैवल्स फ्रॉम द सिटी टू द जंगल्स टू द डेजर्ट, सो यू विल सी डिफरेंट टेरेन्स, सो इट्स इंटरेस्टिंग वेन यू सी अ फिल्म, नो फिल्म ऐसी बड़ी लगती है, विच नीड्स टू बी वॉच्ड इन सिनेमा हॉल्स। आई थिंक आमिर इज बीन इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक तभी भी वो एक सिर्फ एक्टर ही नहीं था, ही वॉज मच मोर देन दैट, इज अ वेरी गुड को एक्टर, आई थिंक ही हैड सेंस ऑफ सीन, लिखा कैसे जाता है, डिरेक्ट कैसे किया जाता है, एंड ही वॉज क्रिएटिंग आई गेस द स्टोरी, आई थिंक ही इज बीन इवॉल्विंग, एंड नाउ ही इज मोर ऑफ आई थिंक यू कैन से इवॉल्व, नाउ ही इज अ फिल्म मेकर ऑल्सो। Thank you.
मैम गुड टू सी यू, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 25 साल मैम पूरे हो चुके हैं सरफरोश को, कितनी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है आज? इतनी पुरानी लग ही नहीं रहा, लग रहा है जैसे अभी तो हुआ था कुछ 5 साल पहले, लग ही नहीं रहा है कि 25 साल हो गए। जी या उस वक्त तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अलग फिल्म थी ये तो लग रहा था हमेशा से, लेकिन इतनी लाइक अ कल्ट फिल्म बनेगी ये नहीं सोचा था। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, मैंने इतने साल ये पूरी फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन आज 25 साल हो गए हैं तो कल या परसों मैंने रात को फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द फुल फिल्म, और मुझे लगा कि आज भी दिस फिल्म सेज द सेम थिंग, इट्स सो रेलेवेंट एंड इट्स सो टुडे, सो इट्स लवली। So he has always been an amazing co-star. I think with Aamir what you say is that you grow when you work with him, when you have a colleague like that, you grow, you learn so much, and that's what happened with him with John. You know, with John I had done ad films, but to do a film with him, he's just so gentle that it was a pleasure to work with him. Nasir Saab was there, yes. मतलब आप को मुझ में बदलाव लग रहा है, कट यू बट इस बारे में क्या बोल, आज भी उसी तरीके से फिट है, उनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हुई, ये जो बदलाव आपको मैं आज देख रहा हूँ, आप भी बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, आपको फिल्म देख रहा था, आई थिंक एज रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे वो एक देखने का नज़रिया भी है, और मुझे लगता है कि इतने प्यार से देखा गया है कि वो जो एज जो आया है वो भी प्यार से एक्सेप्ट हो गया है, सो थैंक यू फॉर दैट, बट डेफिनेटली वो एज तो है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, यू नो आई एम हैप्पी टू हैव, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी टू हैव दैट एज। आई थिंक मेरा फेवरेट सॉन्ग होश वालों को, इट्स जस्ट अ क्लासिक एंड इट्स माई फेवरेट इन द फिल्म। आई नो बहुत लोग वो द रेन सॉन्ग ज़्यादा, मतलब वो याद ज़्यादा रहता है लोगों को बिकॉज ऑफ द विजुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेरे लिए होश वालों को, इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सच अ वंडरफुल सॉन्ग, और जो उसको शूट भी जॉन ने सीन की तरह किया है, सो देयर इज अ होल प्रोग्रेशन इन इट, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जी बहुत ही खूबसूरत है। जी दिस वाज माय सेकंड फिल्म विद हिम, व्हेन आई डिड सरफरोश आई हैड ऑलरेडी डन टक्कर विद हिम, सो दिस वाज माय सेकंड वन विद हिम, एंड इट्स ऑलवेज अगेन लाइक आई सेड, वेर नसीर साहब, वेर आमिर इज कंसर्न, दीज आर आइकॉनिक लेजेंड्स हु वेन एवर यू शेयर स्पेस विद देम यू ऑलवेज लर्न। सर नेक्स्ट मार्क, सर नेक्स्ट मार्क, सर 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 वेट 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 हेलो 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 आ रहा है।
रह जाते हैं, ऊपर वाले ने हमको जिंदा रखा और 25 साल बाद में इतने बड़े फंक्शन में इतनी सुपरहिट फिल्म है जिसने मुझे लाइफ दी, सब कुछ दिया। सरफरोश की वजह से मुझे दाल रोटी मिलना शुरू हुआ, सरफरोश को मैं कभी नहीं भूल सकता। उस फंक्शन में मुझे बुलाया गया, इससे बड़ा मेरे लिए सम्मान क्या हो सकता है। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ टुडे 10 मई 2024। यस, बहुत बड़ी बात। और मुझे लाइन में काम करते करते 50 साल हो गए हैं। आई एम द सीनियर मोस्ट एक्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। 50 साल से मैं सुख भोग रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, इस कामयाबी का। 50 साल के बाद में इतने सीनियर सिटीजन को भी आज सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है, ये सब सरफरोश की मेहरबानी। क्या बात है, क्या बात है। सरफरोश है जहाँ, रमेश गोयल है वहाँ। सरफरोश की वजह से मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, उससे पहले मुझे काम नहीं मिलता था कोई। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज का दिन, ये सत्कार, ये सम्मान मैं जिंदगी भर याद रखने वाला हूँ। ये सब कृपा जॉन मैथ्यू साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सरफरोश और सुपरस्टार हमारे आमिर खान साहब की वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं सरफरोश की टीम को, आमिर खान साहब को, जॉन मैथ्यू साहब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस उम्र के पड़ाव पर यह सम्मान दिया जा रहा है। मेरी 25 साल और उम्र बढ़ गई है, ये सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमने 50 साल में कितना स्ट्रगल किया था, उसका आज ये रिवार्ड मिल रहा है। आप सब लोग मुझे कैप्चर कर रहे हैं, जो दुनिया में देखी जाएगी ये पिक्चर, ये सीरीज, ये जो है कहना चाहिए यूट्यूब पर डालेंगे, कहाँ कहाँ जाएगा मुझे देखेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। दुनिया देखेगी रमेश गोयल को कि सरफरोश का एक्टर है ये, मुझे दोबारा जिंदा कर दिया इस फिल्म ने। आमिर खान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमिर खान साहब पिक्चर के दौरान ही मुझ पर मेहरबान थे, उन्होंने कई डायलॉग मुझे अपने खुद दे दिए, बोलने ये डायलॉग रमेश गोयल बोलेगा। मेरे डायलॉग ज़्यादा नहीं थे सरफरोश में, लेकिन आमिर खान साहब हीरो थे, उन्होंने अपने डायलॉग मुझे दिए कि रमेश गोयल बोलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है आमिर खान साहब को शुक्रिया अदा करने के। उसके बाद दूसरा सम्मान मुझे उन्होंने अपनी बिटिया की रिसेप्शन में, स्वागत समारोह में मुझे इन्वाइट किया, वहाँ बुलाया, बड़ी इज्जत दी, सम्मान दिया। 13 जनवरी 2024 के दिन जियो वर्ल्ड में, बांद्रा ईस्ट मुंबई में, तो ये बड़े लोगों की पहचान है, बड़े दिल की पहचान है कि मुझ जैसे छोटे कलाकार को इतना प्रोत्साहित किया। शूटिंग के दौरान अपने डायलॉग दिया आमिर खान साहब ने, अपनी बिटिया की रिसेप्शन में मुझे बुलाया छोटे से कलाकार को, और आज 25 साल के इस पर्व पर, महापर्व पर मुझे बुलाया है, मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। और कोई पूछना है कुछ? जय हिंद, जय हिंद। पूछिए, क्या पूछना है? पहले तो ये कहना चाहूँगा आप सब मीडिया वालों से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज मुझे लाइव कवर कर रहे हैं। 25 साल यानी मेरे ज़िंदगी के 25 साल बढ़ गए हैं। मेरी पहली फिल्म थी सरफरोश, उसके पहले मैंने सीरियल्स की हैं। सरफरोश के बाद मुझे काफ़ी अच्छे मौके मिले। उन्हीं 25 सालों में मैं आज दोबारा आमिर खान प्रोडक्शन के साथ फिल्म कर रहा हूँ लाहौर 1947, जिसकी शूटिंग अभी फ़िलहाल चल रही है। आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं कि 25 साल सरफरोश के बाद मैं जिंदा हूं इंडस्ट्री में, और यही प्यार आप लोगों से चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मुझे और प्रमोट कर दीजिए ताकि मेरा करियर और ऊपर जा सके।
बस यही कहना चाहता हूँ, सरफरोश से मेरी लाइफ वाकई चेंज हुई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ये फिल्में ऐसी हैं सदाबहार फिल्में जैसे कि होती हैं। ये सदाबहार फिल्म है और सदाबहार फिल्म जो होती है वो जब भी देखी जाए 25 साल बाद 50 साल बाद 40 साल बाद उसका इम्पैक्ट कम नहीं होता, उसका वॉर्म्थ कम नहीं होता। एक बार आदमी बैठ जाए इस फिल्म के सामने पूरी फिल्म देखे बिना वो हट नहीं सकता, वो होती है सदाबहार फिल्म और सरफरोश एक सदाबहार फिल्म है। जिस तरीके से आपने सरफरोश को सदाबहार कहा, ऐसे और कौन सी फिल्में जो आप चाहते हैं एक बार फिर से सिनेमा घर में लगे, ऐसी अगर कोई फिल्म अगर आप बताना चाहें जो फिर से लगे? और जैसे बहुत पुरानी फिल्मों की बात अगर हम करें तो मुगले आजम ऐसी सदाबहार फिल्म है, उसमें आपका एक्टिंग का देख लो आप, उसमें आप डायलॉग्स देख लीजिए, उसमें आप फोटोग्राफी देख लीजिए। पाकीजा, पाकीजा एक फिल्म, मदर इंडिया। सो प्लॉट, स्क्रीन प्ले, कहानी, अभिनय, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें मिलके एक फिल्म को सदाबहार बनाते हैं। इस फिल्म में आमिर के साथ जुड़ी ही मेरी एक ख़ास बात है, वो ये है कि मैंने इस फिल्म में उनके साथ कोई काम नहीं किया, मेरा कोई सीन नहीं है आमिर के साथ इसमें। हाँ नो ओके। अरे मिर्ची सेठ, गुड टू सी यू सर। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा 25 साल पूरे हो चुके हैं सरफरोश को, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितनी यादें आज पुरानी होने वाली है? 25 साल के बाद भी सरफरोशी का जो एक तमन्ना है
वो तमन्ना आज भी जीवित है। 25 साल के बाद एक ऐसी फिल्म, जिस फिल्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरी मीडिया है हमारे साथ, सारे दर्शक है, पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और सारे एक एक तकनीशियन, एक एक आर्टिस्ट आज इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही जोशो खरोश और उमंग भरा, सरफरोशी वाला ये क्षण है। बहुत सुंदर यादें हैं, बहुत ही कमाल का काम होता था सेट पे, और बहुत ही कमाल काम हमने किया है, क्योंकि हमारे जो लेखक निर्देशक थे जॉन मैथ्यू मथान, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की थी, और उस स्क्रिप्ट को जिस तरह से सारे एक्टरों, सारे टेक्नीशियन ने मिलके किया और उसको जीवंत किया, और भी ओरिजिनल लोकेशन पे जाके, जैसलमेर और वाहिद उस तरह के लोकेशन पे जाके, तो ये अपने आप में अद्भुत एक अनुभव है। नहीं, हमने तो कैरेक्टर कर दिया, अब वो दर्शकों को पसंद आया, उस तरह से कैरेक्टर की माउंटिंग है मिर्ची सेठ की, तो इसलिए हमने वो कैरेक्टर किया और दर्शकों ने पसंद किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को। धन्यवाद। मुझे लगता है कि सरफरोश का जो म्यूज़िक था जब हम लोग कर रहे थे, तो क्योंकि आमिर खान की पिक्चर है तो आप जानते हैं उसमें बहुत म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस होता है और एक प्रेशर रहता है, तो कोशिश यही थी कि सारे गाने अच्छे करें, मगर मुझे लगता है चार गाने जो थे वो रियली स्टूड आउट। एक तो जगजीत साहब की गज़ल होश वालों को खबर क्या, और जो इंट्रोडक्शन की कव्वाली है वो बहुत अच्छी थी, फिर आमिर का गाना इस दीवाने लड़के को, और इनका फेवरेट है जो हाल दिल का। सो आई थिंक द म्यूज़िक लिव्ड ऑन, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द फिल्म वॉज वंडरफुल एंड द म्यूज़िक वॉज वंडरफुल, एंड नो वंडर दैट यू नो 25 साल के बाद हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे हैं हम सब, और पिक्चर स्क्रीनिंग हो रही है इसकी, और आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो द म्यूज़िक हैज़ लिव्ड ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स। बहुत सारी यादें हैं, मैं बहुत बोल सकता हूँ मगर आपका टाइम काफ़ी निकल जाएगा, मगर एक ज़रूर किस्सा सुनाऊंगा कि जॉन के साथ जब मैं और जतिन बैठते थे तो गाने बन रहे थे, गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, फिर एक दिन मैंने और जतिन ने सारे गाने सुने और हमको लगा कि वी स्टिल नीड वन बिग हिट इन दिस एल्बम। तब तक हमने होश वालों कर लिया था, कव्वाली बहुत अच्छी हो गई थी, ज़िंदगी मौत ना बन जाए, और आमिर का गाना भी हो गया था, मगर दो जो आइटम गाने थे आई थिंक वी फॉल्टर्ड अ लिटिल, दे डिडंट लिव अप टू व्हाट वी वांटेड, हो जाता है बिकॉज इट्स क्रिएटिव वर्क। तो एक ही गाना बचा हुआ था जो रोमांटिक था, तो हमने डिसाइड किया कि ये जो गाना है जो हाल दिल का, ये हम इस पिक्चर में डालेंगे। मगर जॉन को सुना है तो पहले जॉन को अच्छा लगा, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं कुछ और बनाते हैं, एंड आई वॉज़ वेरी कीन कि ये गाना इसमें चला जाए। तो मैंने आमिर को फ़ोन किया और मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, मुझे गाना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये पिक्चर में होना चाहिए, मगर जॉन ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट, तो आमिर ने कहा एक काम करो कल सिटिंग रखो और जॉन को भी बुलाओ और शाम को मैं फ़ोन करके मैं भी आ जाऊँगा आर्बिट्रेली, और फिर ये गाना दो तीन गाने और सुना के ये गाना सुनाना एंड देन लिव इट अप टू मी। तो जॉन के साथ सेशन हुआ 5:30 आमिर का फ़ोन आ गया, तो हमने वो बोला कि मैं यहीं हूँ, म्यूज़िक कैसा हो रहा है, मैं बोला अभी सिटिंग ही चल रही है आपकी फिल्म की, तो बोले मैं भी आ जाऊँ, तो मैंने कहा ज़रूर आ जाइए, एंड देन आमिर ऑल्सो केम इनटू द सेशन एंड आई प्लेड अ कपल ऑफ सॉन्ग्स एंड देन आई सेड आई लाइक वन सॉन्ग वेरी मच आमिर एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन। जॉन को भी ठीक लगा है, अगर और अच्छा लग जाए तो बड़ा अच्छा है। और फिर ये करके मैंने वो गाना सुनाया, आमिर ने बोला हाँ ज़रूर सुनाइए, तो सुनाया तो बहुत अच्छा गाना तो था ही वो, आमिर ने पकड़ लिया, और फिर जॉन को बोला इनको अगर कॉन्फिडेंस है इस गाने में तो व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड दिस, ही नोज द बेस्ट। तो फिर जो हाल दिल का रिकॉर्ड हुआ, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस सॉन्ग वेंट टू दिस फिल्म एंड हैज़ बिकम एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड इज लिव्ड ऑफ एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट 25 इयर्स। थैंक यू। डियर सरफरोश, मेरी जिंदगी की पहली फिल्म
और मैंने इसमें राजन का करेक्टर किया था और इट वॉज मेरे लिए मेरी लाइफ का पहला काम था और इतना खूबसूरत था। जॉन साहब, मनोज जोशी जी, जिन्होंने मुझे जॉन सर तक पहुंचाया और उन्होंने मुझे कास्ट किया और मैंने राजन का करेक्टर किया। इट वॉज नोटिसेबल करेक्टर बट फिल्म वॉज अमेजिंग एंड आई एम प्राउड दैट आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस सरफरोश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कम बहुत खुशी का दिन है आज, 25 साल हो गए सरफरोश को। मैं इसमें कैप्टन शफी था और जॉन साहब को, आमिर साहब को, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और आज बहुत अच्छा मोमेंट है। 25 साल एक पिक्चर को पूरा होना इसे ग्रेट, हम सब लोग जितने भी कलाकार इसके हैं बहुत खुशी हो रही है और आप सब मीडिया वालों को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसी फिल्में बनती रहे जो एक इतिहास रचते और इस फिल्म ने भी, सरफरोश ने भी एक इतिहास रचा। बहुत अच्छा, आमिर साहब के साथ मैंने कई फिल्में की हैं लेकिन सरफरोश जो है मेरी यादगार फिल्म है। यस हाँ जी, मेरी पहली पिक्चर थी खुदा गवाह अमिताभ बच्चन जी के साथ, उसके बाद सरफरोश थी, कोहराम, माते जी सलाम, तो 100 से 150 फिल्मों में ऐसे विलेन मैंने कहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किधर किधर ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि लोग, जब जब लोगों ने देखा है और मुझे कुछ इस तरह के लोग भी मिले जो नॉर्मली ज़्यादा फिल्में देखते नहीं हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो उनका भी रिएक्शन जो है वो बहुत ही कमाल का रहता है इस फिल्म के बारे में। और उनके रिएक्शन से हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि ये फिल्म को 25 साल हो गए हैं और बहुत पुरानी फिल्म है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं, सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए यह है कि सरफरोश जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, ये मुझे लगता है ये एक लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो है मेरे लिए भी। मेमोरीज बहुत हैं, ये फिल्म इज अ फुल ऑफ मेमोरीज। मैं जितने दिन भी शूटिंग किया है और जिस तरह शूटिंग हम लोग करते थे और जिस तरह जॉन साहब जो प्रिपेयर थे इस फिल्म के लिए, उनके अंदर इतना कुछ था इस फिल्म को लेके, वो मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस आज तक के लिए भी मैं कहूँ जितना भी काम किया मैंने, वो फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जॉन साहब इतने इन्वॉल्व थे कहानी में, वो सिर्फ किसी एक एक्टर के लिए नहीं था, जितनी भी स्टार कास्ट थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे, जॉन साहब का इंटरेस्ट पूरा उन सब में रहता था और इसीलिए हर एक्टर जो है वो डिफरेंट लगता है उस कहानी में, नहीं लगता कि एक जैसे हैं सब। तो मैं ये तो कमाल कहूँगा, जान साहब की जो तैयारी थी इस फिल्म के बारे में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के दिन के लिए। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you.
मैम लेफ्ट में मैम मैम रुको मैम यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाओ ना मैम मैम सेकंड थोड़ा यहाँ पे सेकंड बार हाँ वेट 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 बस 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 मैम लेफ्ट में अरुण भाई हाँ तो हेलो आवाज आओ सर लेफ्ट में नहीं 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 रुको रुको सर रुको लेफ्ट में थोड़ा नेक्स्ट मार्क आ जाओ आइए पूजा जी आइए